दोस्तों, तो आज मैं वापस से फैसल भाई की शॉप पर आया हूँ सदर डीवीडी पर। तो अब जैसे कि इस बार भी फैसल भाई अभी ईद की डील्स लेकर आए हैं आप लोगों के लिए खास, और जैसे आप देख सकते हो कि स्टॉक वापस से फैसल भाई ने भरा है यहाँ पर, और PS5 भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, PS5 भी मौजूद है, और PS4 के ये एडिशन वाले भी जैसे कि आप देख सकते हो, ये 1 TB वाला एडिशन ये है यहाँ पर, और स्पाइडरमैन वाले भी यहाँ पर हैं, और यहाँ पर PS4 Pro 2 TB यहाँ पर मौजूद है। तो इन सब की प्राइसेस वगैरह जो भी डील्स वगैरह फैसल भाई ने हमें इस बार बना के दिए हैं वो सब हम फैसल भाई से पूछते हैं, प्राइसेस वगैरह पूछते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम जाहिद भाई, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह पाक का, मालिक का एहसान है। अच्छा, तो फैसल भाई सबसे पहले आप फिर बताएं कि होम डिलीवरी सर्विस का। देखिए, होम डिलीवरी सर्विस तो ऐसी है कि कराची के अंदर कोई ऑर्डर करता है तो हम सेम डे उसे डिलीवर कर देते हैं, और अगर कोई कंसोल मंगवाता है कराची के अंदर से तो हम उसे डिपॉजिट पैसे भी लेते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी हमसे होता है कि लोग ऑर्डर कर देते हैं, घर के बच्चे ऑर्डर करते हैं और उनके बाद फिर पैसे की सेटिंग नहीं बनती तो वो कैंसिल करवाते हैं। तो कंसोल अगर कोई कस्टमर ऑर्डर करना चाहता है तो हम उससे पैसे जो है वो डिपॉजिट लेते हैं, कुछ पैसे, बाकी आप ले कैश ऑन डिलीवरी दे दें, और अगर कोई छोटी मोटी चीज़ है तो हम भेज देते हैं। और अगर आउट ऑफ सिटी है कोई, यानी कि कराची से बाहर से कोई करवाना चाहता है, तो फिर उसके लिए तो यही एक शेड्यूल है कि हम लोग जो है वो कस्टमर से पूरी पेमेंट अकाउंट में लेते हैं और इसके बाद जो है उसे वो ट्रांसफ़र कर देते हैं TCS के जरिए, एडवांस में वो TCS के जरिए ट्रांसफ़र कर देते हैं एक्स्ट्रा गेट के साथ। और कंट्रोलर्स वगैरह की पूरी होम वो कैश ऑन डिलीवरी होती है? कैश ऑन डिलीवरी वगैरह हो जाती है, कोई मसला नहीं है, बाइकिया के थ्रू भेजते हैं, हमारा अपना राइडर भी होता है जिसके पास इजी पैसा की सहूलत होती है, वो इजी पैसा भेजता है, हम बाइकिया से भेजते हैं। बाइकिया का ये फ़ायदा होता है कि जो करीबी जो होती है ना, 100-120 रुपये में पहुँच जाती है चीज़ आपके पास, हम अपना राइडर भेजेंगे, वो 200-250 रुपये लेता है, पेट्रोल के पैसे लगाता है और दो चक्कर के पैसे लगाता है कि मैं पैसे देने भी आऊँ। अगर जिसके पास इजी पैसा की सहूलत है तो वो इजी पैसा में चीज़ मंगवा ले, उसके अंदर ये फ़ायदा है कि बाइकिया के थ्रू आपके पास चीज़ आएगी, बाइकिया की डिलीवरी कम होती है नस्बत हमारी चीज़ के, हमारे पास जो राइडर होते हैं वो 100 रुपये एक्स्ट्रा ही लेते हैं क्योंकि वो आना जाना करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो बाइकिया के थ्रू ज़्यादा फायदा है कस्टमर्स के लिए। और क्या कहते हैं, अपना किसी को अपना कंसोल वगैरह सेल करना हो आपको, हाँ, तो आप वो भी परचेज? बिल्कुल बिल्कुल, किसी को भी अपना कंसोल को भी सेल करना हो, PS4 हो, PS5 हो या PS3 हो, PS2 को छोड़ के, PS2 हम लोग नहीं लेते, इसके अलावा कोई भी अगर कंसोल्स हो तो आप मुझे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर तस्वीरें वगैरह भेज दें या मेरी शॉप पर डायरेक्ट ले आएँ, जो भी मुनासिब कीमत होगी उसमें मैं कस्टमर से खरीद लेता हूँ, एक्सबॉक्स भी ले लेता हूँ, लेकिन शर्त यही होती है कि चीज़ वर्किंग कंडीशन में हो और रिपेयर ना हुई हो, क्योंकि मैं रिपेयर चीज़ पर काम नहीं करता, रिपेयर वाली चीज़ में नहीं लेता, ठीक है ना। इसके अलावा जो है अगर किसी भी कस्टमर को कोई भी चीज़ की यानी कि इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो भी मुझसे पूछ सकता है वो। और वारंटी की कोई डिटेल्स वगैरह? देखिए, वारंटी तो लास्ट जो वीडियो हमारी थी रमज़ान डील, तो उसके अंदर रमज़ान डील के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस आया, जो जो प्राइस मैंने कोट किए थे शुक्र है मालिक का, मैंने उसी प्राइस पे जो है लोगों को चीज़ दी है, लोगों ने आगे परचेजिंग भी की है, वीडियो का हवाला दिया और मैंने उसी रेट पर ही चीज़ बेची है, सारा स्टॉक वो हो गया ख़त्म, अब नया स्टॉक मैंने नया अराइव मंगवाया है, अब जो नया स्टॉक जो आया उसमें प्राइस की थोड़ी सी रद्दोबदल हुई है क्योंकि रमज़ान डील थी, रमज़ान डील के अंदर रिस्पांस तो आया ही है, वो तो नज़र भी आता है वीडियो के नीचे के रिस्पांस आया है, लेकिन उसमें मैंने चीज़ बेची भी बहुत है, लेकिन जो ऑलरेडी जो रेट है मार्केट के उस रेट पे नहीं बेचा, मैंने अपनी तरफ से कम किए थे, लेकिन अब जो प्राइसेस आएँ उसमें प्राइस थोड़े से अपडेट होंगे, लेकिन जो रेगुलर प्राइस भी नहीं होंगे, ये ईद डील है ये, तो हम लोग उसमें जो है रमज़ान से थोड़े से बढ़ेंगे, लेकिन ईद के लिए हम उसमें डिस्काउंट रखेंगे, और जो भी प्राइस दूंगा उसमें इंशाल्लाह ये है कि नेगोशिएशन में कर दूंगा, जो भी होगा, जो भी डिस्काउंट होगा मैं कर दूंगा जो कस्टमर आएगा उसके लिए। अच्छा, वीडियो के रेफरेंस से अगर कोई आएगा तो उसे आप डिस्काउंट? बिल्कुल बिल्कुल, वैसे भी दे देता हूँ तो डिस्काउंट, लेकिन रमज़ान डील में नहीं दे पा रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड ही थी, क्योंकि वो आपने खुद मेंशन किया था कि पहले के रेट क्या है, रमज़ान के रेट क्या है, तो उसमें तो गुंजाइश नहीं बन पा रही थी, लेकिन इस दफ़ा जो भी गुंजाइश होगी मैं करूँगा, कस्टमर के लिए मना नहीं है। तो आप वीडियो के रेफरेंस से आएंगे, वीडियो का हवाला देंगे कि हाँ मैं वीडियो देखी है वेपन एक्स की, तो आप थोड़ा बहुत और डिस्काउंट ये कर देंगे जितना हो सके, मुनासिब होगा जितना समझ। देखिए, इस दफ़ा जो वैरायटी मेरे पास आई है ना उसमें आप देख सकते हैं कि सिंपल वाले भी हैं और एडिशन वाले पीस भी हैं, जो जैद भाई एडिशन वाले पीस होते हैं वो आपको पता है थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर सील्ड पीस लेके आना थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है क्योंकि एडिशन वाले के अंदर सील्ड पीस बड़े मुश्किल से मिलते हैं, तो इस वक्त मेरे पास दोनों किस्म की वैरायटी है, एडिशन वाले पीस कस्टमर काफ़ी रिक्वायर्ड करते हैं कि आप वो पीस लेके आओ जो एडिशन में हो, तो मैं इसलिए वो भी लेके आया हूँ इस दफ़ा, तो वो भी मैं आपको प्राइस कोट करूँगा और पीस इंशाल्लाह सारे सील्ड होंगे और आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक रमज़ान के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिसको भी माल बेचा है, जितने भी कंसोल्स बेचे हैं, अभी तक मेरे पास कोई कस्टमर रिटर्न कंप्लेंट लेके नहीं आया कि यार आपकी ये चीज़ डेड हो गई या चीज़ ख़राब हो गई, क्योंकि ये चीज़ ये मेरा मकसद यही था कि मैं रमज़ान के महीने में जो भी चीज़ बेचूँ किसी के पास कोई ख़राबी शो ना हो। 15 दिन की वारंटी देके मैंने बेचा था, 15 दिन की वारंटी वाली डील जो है वो ख़त्म हो चुकी है, अब जो ये डील मैं दे रहा हूँ वो सब 1 हफ्ते की वारंटी के ऊपर है, PS4 के जितने भी कंसोल्स में दूंगा वो 1 वीक की वारंटी है, एक्सबॉक्स में 1 वीक की वारंटी है,
और PS2 और PS3 में जो है वो 3 दिन की वारंटी होती है, क्योंकि उसके अंदर जो है आगे से वारंटी हमें मिलती नहीं है और उसके अंदर पावर सप्लाई का ज़्यादा मसला आता है, तो उसमें 3 दिन की वारंटी मैं आपको PS2 और PS3 की दूंगा। Xbox PS4 इसकी 1 हफ्ते की चेकिंग वारंटी होगी। तो अब हम प्राइसेस पर चलते हैं, तो सबसे पहले आप Xbox 360 की प्राइस बताएं। देखिए Xbox से सेम रहेगी जो रमज़ान डील थी, मेरे पास स्टॉक अभी भी इसका काफ़ी पड़ा है, मैंने 20 मंगाया था, इसमें मैं कोई रद्दोबदल नहीं करूँगा। ये 19,000 रुपये के अंदर मैं आपको 2 कंट्रोलर के साथ स्लिम पीस दूंगा आपको, ठीक है। 2 कंट्रोलर होंगे इसके अंदर और 250 GB हार्ड ड्राइव होगी, तकरीबन 60 गेम्स उसमें इंस्टॉल्ड होंगे, ठीक है ना। ये पैकेज वही है 19,000 रुपये का, पूरा कंप्लीट पैकेज होगा Xbox का। ये स्लिम है आपके पास? ये स्लिम है। फैट और अल्ट्रा फैट भी मिल जाएगा, फैट की डील जो थी वो 15,000 रुपये की मैंने लगा थी 2 कंट्रोलर के साथ, उसमें थोड़ी सी चेंजेस है। अब जो फैट आपको मिलेगा ना वो 16,000 रुपये का मिलेगा 2 कंट्रोलर के साथ, नॉन रिपेयर पीस होगा जिसका बोर्ड बिल्कुल फ्रेश होगा। 16,000 रुपये में 2 कंट्रोलर, 250 GB हार्ड ड्राइव कंप्लीट एसेसरीज के साथ, जिसको भी चाहिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है, स्टॉक उसका भी मौजूद है, ठीक है ना। अब मेरे पास जो है PS3 भी है, PS3 के अंदर जो है वो 320 GB आपको मिलेगा 21,000 के अंदर, और इस पर डील ये है ईट डील के अंदर कि 21,000 के अंदर में 2 कंट्रोलर के साथ आपको, दो कंट्रोलर के साथ मैं आपको दे दूंगा 21,000 रुपये के अंदर PS3। और अल्ट्रा स्लिम नहीं है? अल्ट्रा स्लिम के अंदर कंप्लेंट बहुत आती है, अल्ट्रा स्लिम नाजुक बहुत होता है, तो इसलिए अल्ट्रा स्लिम जो है ना थोड़े से प्राइस भी ऊपर हो गए थे, तो मैंने इस वक्त स्टॉक में वो नहीं मंगवाया। तो अल्ट्रा स्लिम और स्लिम में कोई खास फर्क नहीं है, 130 GB का फर्क होता है, ये 320 है वो 170 GB का फर्क है, कुछ गेमों का फर्क आता है। 320 GB स्लिम ये पायदार है, इसकी ज़्यादा डिमांड भी है, रनिंग भी है, तो ये इसीलिए हम लोग रखते हैं क्योंकि ये सस्ता भी है, बंदे के बजट में भी आ जाता है। तो 21,000 रुपये के अंदर 2 कंट्रोलर के साथ मैं आपको दूंगा स्लिम पीस और PS3 जिसका बोर्ड बिल्कुल फ्रेश होगा, बोर्ड पर कोई काम नहीं हुआ होगा। PS2 जो है वो आपको मिलेगा तकरीबन 7,000 रुपये का, ठीक है। और इसके अंदर तकरीबन हम लोगों ने अभी जो पैकेज बनाया है वो है 50 गेम्स का पैकेज होगा, 7,000 रुपये का PS2 है, और इसके अंदर कंप्लीट एसेसरीज होगी, नया कंट्रोलर, मेमोरी कार्ड, हार्ड ड्राइव, हर चीज़ पूरा पैकेज रेडी होगा, और ये 7,000 रुपये का पूरा पैकेज मिलेगा आपको, पूरा कंप्लीट एसेसरीज के साथ PS2, 50 गेम्स उसमें इंस्टॉल्ड होंगे। और अब हम PS5 पर आ जाएँ, तो PS5 क्या पहले बताएँ? देखिए PS5 के रेट अब कम हुए हैं, लास्ट टाइम किसी की वीडियो में आपने देखा होगा तो 1.5 लाख था, फिर 1.45 हुआ, फिर 1.42 हुआ, आज के जो रेट हैं, आज के जो मौजूदा रेट हैं वो 1.38 के रेट हैं, 1,38,000 रुपये में PS5 मिल जाएगा आपको 1.38। PS5 आपको 1.38 का मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसके रेट अब डाउन होते जा रहे हैं, पर इसका क्या है कि इसके तो ऐसे स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है। देखिए अब ये भी हो सकता है कि आज 1.38 का रेट है, एक हफ्ते बाद जो है फिर 1.42 1.45 पर पहुँचे, डॉलर पर डिपेंड करता है, और इसीलिए इसका जो है ना बड़ी यूज क्वांटिटी में हम लोग स्टॉक नहीं रखते हैं, एक आध दो पी सकते हैं, क्योंकि कस्टमर इसके जो है ना रेट फिक्स नहीं होते हैं, कभी कम है कभी ज़्यादा है, तो इसके रेट कोई फिक्स नहीं है, डॉलर के साथ फिक्स घूम रहा होता है। 1.38 में जो है इस वक्त मौजूदा है वो जंबो सील वाला, जंबो वारंटी वाला मिलेगा 1.38 के अंदर आपको, और क्वांटिटी के अंदर मौजूद है, लेकिन जिसको भी चाहिए वो आने से पहले मुझसे कॉन्टैक्ट कर ले कि यार इस रेट पर अवेलेबल है, रेट अप डाउन तो नहीं हुए, क्योंकि ये रेट आज के हैं, पता नहीं है कि 2-4 दिन के बाद अप डाउन 40 पे आ जाए या हो भी सकता है 35 पे भी आ जाए, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा इसमें कोई नहीं होता इसके अंदर, वो अब जो होगा वो आगे से होता है, बैक एंड से होता है, ठीक है ना। अच्छा PS4 पर जाएं तो PS4 फैट क्या पहले बताएं प्राइस? देखिए PS4 फैट जो है वो मेरे पास जेल ब्रेक भी है 9.0 और नॉन जेल ब्रेक भी है, ठीक है ना। अब जब जेल ब्रेक अगर आप लेते हैं तो वो जेल ब्रेक आपको मिलेगा 45,000 का, ठीक है, और इसके अंदर होंगे गेम्स इंस्टॉल्ड, USB वगैरह कंप्लीट एसेसरीज के साथ जो होगा वो 45,000 रुपये का मिलेगा, 10 से 12 गेम इसमें इंस्टॉल्ड होंगे कंप्लीट एसेसरीज के साथ। और अगर नॉन जेल ब्रेक अगर आप लेते हैं तो वो 37 का मिलेगा, नॉन जेल ब्रेक 37 का आपको मिल रहा है यहाँ पर, और जेल ब्रेक आपको 45 का मिल रहा है, 10 गेम इंस्टॉल्ड होंगे इसमें। अब जिसको भी चाहिए वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है कि जो चीज़ इस वक्त मौजूदा होती है, कभी कभी ये होता है कि हमारे पास पीस आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाते हैं, तो आपको वो चाहिए वो आप मुझसे पहले कॉन्टैक्ट कर लें, मैं आपको डिटेल बता दूंगा कि जेल ब्रेक अवेलेबल है या स्लिम में है या फैट में। तो स्लिम की भी वैरायटी देखें बहुत सारी बड़ी हुई है, ये दिखा सकते हैं आपके पीछे, ये दिखा दें, यहाँ पर भी है, ये स्लिम की वैरायटी दिखा दो, अच्छा स्लिम के अंदर मेरे पास जेल ब्रेक और नॉन जेल ब्रेक दोनों मिल जाएंगे आपको, ठीक है, सिंपल वाले में विदाउट एडिशन। तो अगर आप विदाउट एडिशन सिंपल वाले लेते हैं स्लिम 500 GB नॉन जेल ब्रेक, तो देखें ये पीस पड़ा है सील्ड, ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये स्लिम, ये नॉन जेल ब्रेक है, ये स्लिम है और सील्ड पीस है जिसमें कोई रिपेयरिंग कोई काम नहीं हुआ, ये बिल्कुल जेन्युइन सील्ड पीस है। ये अगर आप लेंगे ये 50 का पड़ेगा आपको, 50 का ये पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही मिंट कंडीशन के अंदर है, अच्छी कंडीशन के अंदर है,
ठीक है ना, इसके अंदर कोई काम नहीं हुआ, ये 50,000 रुपये का पड़ेगा आपको। और इसके अंदर हमारे पास डाउन महीने के ज़्यादा यूज़ किए हुए भी आते हैं तो 45 का भी आता है, वो स्टॉक के ऊपर डिपेंड है, 45 से लेकर 50 तक आपको मिल जाएगा नॉन जेल ब्रेक विद इन कंडीशन, विद इन कंडीशन 500 GB विद इन कंडीशन के हिसाब से, ये ठीक है ना। इसके बाद अगर आप देखते हैं कि ये भी 500 GB है, ठीक है, सीरियल मैच बॉक्स है, कंप्लीट से इसके साथ है, मिंट कंडीशन के अंदर ये भी ओरिजिनल बॉक्स है जो PS4 का जेन्युइन होता है, ये भी प्राइस सेम ही है, 50 का ही है, ठीक है ना। इसके बाद ये देख लें आप, ये 1 TB है, ये 1 TB ये एडिशन वाला है, ये एडिशन वाला डेज ऑफ प्ले एडिशन, डेज ऑफ प्ले एडिशन वाला, ये डेज ऑफ प्ले एडिशन वाला, ये 1 TB, ये नॉन जेल ब्रेक है, ठीक है, ये 55,000 रुपये का, 55,000 का आप ये दे रहे हो, एडिशन वाला 55,000 का, ठीक है ना। इसके बाद ये देख लें आप, FIFA 19 वाला पीस जो है 500 GB है, 2216 मॉडल है, 2216 मॉडल है, मेन कंडीशन है, 4 से 5 महीने यूज़ हुआ, ज़्यादा नहीं है, पुरानी मशीन नहीं है ये, जो इस वक्त 90,000 रुपये का PS4 ब्रांड न्यू चल रहा है, ये जो है मशीन, ये बिल्कुल 4 से 5 महीने यूज़ हुई है, और इसके प्राइस जो है 55,000 रुपये, 55 इसलिए ये कंडीशन बहुत अच्छी है और नए जैसी कंडीशन के अंदर है ये, और बिल्कुल साफ है, जब ऐसा लगता है कि यूज़ ही नहीं हुआ ऐसी कंडीशन के अंदर है। तो जिसको भी चाहिए हो, ऐसे पीस बहुत कम आते हैं, अगर चाहिए हो तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कराची वाले, कराची से बाहर वाले, जिसको भी चाहिए बुक करा ले वो। और यहाँ पे ये स्पाइडरमैन एडिशन है, जेल ब्रेक में है ये, 9.0 15 से 20 गेम इसमें इंस्टॉल्ड होंगे, ठीक है, सील्ड मैच बॉक्स है, कंप्लीट एसेसरी के साथ, इसकी भी कंडीशन बहुत अच्छी है, ये सील्ड पीस है, ठीक है, और इसका जो प्राइस है वो 63,000 है, 63,000 इतना क्यों, ये 1 TB इसलिए, 1 TB है ना, ये 1 TB है और एडिशन वाला है ना, हाँ ये स्पाइडरमैन एडिशन है, ये आपको जो है 63,000 का मिलेगा, ये जेल ब्रेक है 9.0, और इसके अंदर तकरीबन समझ लें आपके पास 15 से 20 गेम हम इंस्टॉल करके आपको देंगे, आपकी मर्जी के, जिस भी कस्टमर को चाहिए हो वो बुक करा सकता है या शॉप पे आके विजिट कर सकता है। मैं तो कहता हूँ कि हमारे शॉप पे, हमारे आउटलेट पे आके विजिट करें, आप वैरायटी देखें, क्योंकि जब कस्टमर आएगा जो कराची के अंदर है, उसे आएगा तो उसे समझ आएगी कि यार क्या वैरायटी और क्या नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये स्टॉक हमेशा नहीं रहता हमारे पास, बिक भी जाता है, लिमिटेड स्टॉक आता है, कभी 2 पीस आते हैं अच्छे, कभी 4 पीस अच्छे आते हैं, सादे वाले तो आते रहते हैं, लिमिटेड एडिशन वाले जो है कम आते हैं। अब ये जो है ये बड़ी मुश्किल से आता है ऐसा पीस, जैसे 1 TB आया है डेज ऑफ प्ले एडिशन, इसके ऊपर बॉडी के ऊपर भी ये बना हुआ है, क्योंकि हर मशीन पे ये, हर बॉडी तो ब्लैक होती है, ये बॉडी भी ब्लू है, यानी कि यही चीज़ ऊपर बॉडी के ऊपर प्रिंट हुई है, कंट्रोलर भी ऐसा ही है ब्लू कलर का, ये बहुत अच्छी मशीन है। तो अब हम प्रो पर चलते हैं, तो यहाँ पर प्रो भी है आपके मौजूद, तो PS4 प्रो क्या बताएं? देखिए PS4 प्रो जो है मेरे पास 1 TB भी है, 2 TB भी है, और 2 TB भी है। तो पहले 1 TB का बता दें, जेल ब्रेक का 1 TB प्रो देखें, ये लगे हुए, ये नीचे जो है जेल ब्रेक वाला है और ऊपर नॉन जेल ब्रेक वाला है, ठीक है ना। जेल ब्रेक वाला जो है वो आपको मिलेगा 20 गेम इंस्टॉल के साथ PS4 प्रो 75,000 का, और जो नॉन जेल ब्रेक है, नॉन जेल ब्रेक आपको मिलेगा 65,000 का, नॉन जेल ब्रेक 65,000 का, जेल ब्रेक 75,000 का, 10,000 का फर्क है, लेकिन दोनों पीस सील्ड होंगे, दोनों में कोई काम नहीं हुआ होगा, दोनों जो है नॉन रिपेयर होंगे, जेन्युइन सील्ड, और प्रो में हर वक्त ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती, मेरे पास U2 TB भी अवेलेबल है प्रो, ये दिखा सकते हैं हमारे व्यूअर्स को, ये जेन्युइन बॉक्स है इसका, ये जेन्युइन बॉक्स है, सीरियल मैच 2 TB ओरिजिनल इसमें लगी हुई है, और इसके अंदर मैं पैकेज दे रहा हूँ, 50 गेम इंस्टॉल्ड करके दूंगा कस्टमर को, 50 गेम्स का पैकेज होगा, जिसको भी ये चाहिए हो कराची के अंदर, कराची से बाहर वाले ये कॉन्टैक्ट, ये चीज़ ऐसी है, क्योंकि देखिए बाद ऐसे कस्टमर है जिनके पास वो कराची से बाहर है और गेम भरवाने की सहूलत नहीं होती है, गेमों की दुकानें नहीं होती, वो ये ऐसी मशीन लेने में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि एक बार का खर्चा है फिर जान छूट जाती है। ये जेन्युइन सील्ड मशीन है, मंगवा के आप जान छूटिएगी, 50 गेम इंस्टॉल्ड लें, और इसके प्राइस जो है 95,000 है, 95,000 आप इसके प्राइस कोट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना ब्रांड न्यू है इस वक्त मार्केट के अंदर, अगर आप लेने के लिए जाते हैं कहीं से मंगवाते हैं या कहीं से लेते हैं तो 1,30,000 1,35,000 रुपये का ही है, ये 2 TB ओरिजिनल है, ठीक है ना। अब ये जो है ना आपको 95 पे मिल रहा है सील्ड, ऑलमोस्ट न्यू कंडीशन, और ये लेटेस्ट मॉडल है, 7.2 की सीरीज है, पतले पिन वाला जो होता है ये वो वाला मॉडल है, ये पुराना मॉडल नहीं है, मॉडल भी लेटेस्ट है ये, ठीक है ना। इसके बाद देखें ये एडिशन है हमारे पास फैट के अंदर, फैट का PS4 फैट का PS4 फैट के अंदर अनचार्टेड 4 जो है इसका बॉक्स बना हुआ है, मशीन तो अंदर ब्लैक ही है, तो ये अनचार्टेड एडिशन जो कहलाता है ये वो है, ये 1 TB है, नॉन जेल ब्रेक है, 1 TB के अंदर, ये इसके प्राइस हम कोट करें 45,000 1 TB के आप कोट कर रहे, नॉन जेल ब्रेक है, 45,000 का ही मिलेगा नॉन जेल ब्रेक आपको, ठीक है ना। PS4 जो है स्लिम, अगर आप लेते हैं जैसे कि ये एडिशन वाला है स्पाइडरमैन वगैरह, सिंपल अगर आप लेते हैं इसके अंदर कोई एडिशन ना हो, नॉर्मल होता है जो PS4 जेल ब्रेक वाला,
तो वो आपको मिल जाएगा 60,000 रुपये का, 60,000 का, और अगर आप नॉन जेल ब्रेक लेते हैं तो 50,000 का मिल जाएगा आपको। सही स्लिम में, ठीक है ना। अच्छा, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कंट्रोलर्स की वैरायटी भी अच्छी खासी होती है फैसल भाई के पास, तो यहाँ पर फैसल भाई आप प्राइसेस वगैरह बताएं कंट्रोलर्स की भी। देखिए कंट्रोलर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वैरायटी मेरे पास बहुत सारी है, और इस वक्त देखा जाए तो मैं एक किस्म का होलसेल ही कर रहा हूँ कंट्रोलर के ऊपर। कंट्रोलर मार्केट में रिटेल के अंदर बिक रहा है 3500, 3533 यूँ लोग बेच रहे हैं। मुझसे जो भी कस्टमर लेना चाहे वो ले सकता है। रमज़ान के अंदर मैंने डील दी थी, अभी भी मेरे पास क्वांटिटी मौजूद है ज़्यादा। मैं 2800 रुपये का कंट्रोलर दे रहा हूँ, 2800 का। 2800 का आप ये दे रहे हो, रमज़ान वाले रेट दे रहा हूँ। कंट्रोलर के अंदर वैरायटी बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको भी चाहिए वो कलर्स में भी है, ब्लैक के अंदर भी है, ठीक है। जो भी आपको चीज़ चाहिए वो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। कराची वाले भी, कराची से बाहर वाले भी, दोनों के लिए अवेलेबल है। और Xbox 360 का ये वायरलेस वाला कंट्रोलर है, वो तो वही पुराने रेट है। वायरलेस वायर वाला 1700 रुपये का है, और वायरलेस जो है वो 3500 का है, वो तो वही रेट है। चाइना वाले कंट्रोलर होते हैं, ये भी चाइना फर्स्ट कॉपी है, लेकिन चलने में रनिंग इसकी अच्छी है और इसमें कोई शिकायत नहीं आती। और मैंने रमज़ान के अंदर, मुझे याद नहीं पड़ता मैंने कितने बेचे, लेकिन बड़ी क्वांटिटी मेरे पास थी, और तकरीबन ये मैंने दोबारा स्टॉक मंगवाया कंट्रोलर का, तो सारा स्टॉक मेरा रमज़ान में सेल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह इस रेट के ऊपर ही। और ये एक अच्छे और मुनासिब रेट है, जो हर जगह हर दुकान पर आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे। मेरे पास स्टॉक है तो मैं आपको ये रेट दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो चाहिए हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पर ये PXN V9, ये PXN V9 के अंदर मैंने थोड़े से प्राइस और कम किया। V9 बाज़ार में हर बंदा आपको बेचेगा 25,000 रुपये का, दिखा सकते हैं अभी 25,000 के इसके प्राइस हर जगह पे हैं। और जिसको भी चाहिए कॉन्टैक्ट करके ले सकता है, 24 में दे दूंगा मैं। 24,000 में आप ये दे रहे हो, 24,000 रुपये में, जिसको भी चाहिए वो ले सकता है। सही, कराची के अंदर, कराची से बाहर वाले, जिसको भी चाहिए वो ले सकता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक वैरायटी और रह गई है, वो ये है PSP। कस्टमर की डिमांड पे मंगवाया है PSP, काफ़ी लोग पूछते हैं प्राइसेस वगैरह इसकी भी। तो यहाँ पर ये अच्छी कंडीशन में यहाँ पर PSP आया हुआ है, ये क्या है, इसकी प्राइस दे रहे हो? कंडीशन के अंदर है, 32 GB इसमें कार्ड लगा हुआ है। तो ये कितने का दे रहे हो आप? ये जो है आपको अच्छी कंडीशन में मिल जाएगा, इसके अंदर 40 गेम इंस्टॉल्ड होते हैं। सही। और ये जो है आपको मिल जाएगा 8,500 रुपये का, 8,500 का आप ये दे रहे हो। 40 गेम्स इसमें इंस्टॉल्ड है, 3,000 है ये PSP। सही, PSP का लेटेस्ट मॉडल होता है 3,000, ये वो है 8,500 रुपये में आपको मिल जाएगा ये। और जिसको भी चाहिए वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, शॉप पर आके ले सकता है, ठीक है ना। सही। और इसके अलावा हमारे पास PS4 के ओरिजिनल कंट्रोलर भी मौजूद हैं यहाँ पे, ये ओरिजिनल कंट्रोलर भी है, ओरिजिनल कंट्रोलर भी मिंट कंडीशन में यूज़ में है ये। अच्छा, यूज़ में है अच्छी कंडीशन के अंदर ओरिजिनल कंट्रोलर, जिसको भी चाहिए वो ले सकता है ये। इसके प्राइस में कोट कर रहा हूँ 6,000 रुपये, 6,000 रुपये नया, ये आपको पता है 13,000 रुपये का चल रहा है ये। तो ये अच्छी मिंट कंडीशन में नॉन रिपेयर कंट्रोलर है, साफ कंडीशन में 6,000 रुपये में मिल जाएंगे जिसको भी चाहिए ओरिजिनल कंट्रोलर, ठीक है। अच्छा, तो यही थी आज की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आपको किसी चीज़ की कंट्रोल वगैरह की प्राइस वगैरह, अगर आपको लेटेस्ट जैसे कि PS5 की प्राइस अगर पूछनी हो, तो आप डायरेक्टली फैसल भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फैसल भाई का नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह सब आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी आपको नंबर वगैरह एड्रेस वगैरह सब मिल जाएगा, और मेरे सोशल मीडिया लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।